तो कैसे हैं दोस्तों? तो दोस्तों कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसी की आज हम पूरी फुल वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं इंडक्शन हीटर। तो इस कंपोनेंट ये देखिए, 12 वोल्ट का 1 वाट का जनरेटर, काफ़ी सिंपल है दोस्तों। ये इसमें मैंने यूज किया है IRF 150 N MOSFET। आप इसमें 250 भी यूज कर सकते हो, 460 भी, ठीक है। ये फास्ट डायोड है FR-207, काफ़ी बेटर डायोड है ये। शायद 1 किलो 1000 वोल्ट का है और 2 एम्पीयर का शायद ये डायोड है। और ये 470 2 वाट के लिए इसमें मैं प्लस करंट इनपुट के लिए यूज करूँगा। और ये इंडक्टर है, ये आप 50 से 200 mH तक इंडक्टर यूज कर सकते हो। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये कॉइल है, ये देखिए 3 mm का कॉपर वायर है। इसमें मैंने 5 टर्न लगाए हुए हैं विद 33 से 11 वोल्ट के कैपेसिटर यूज किए हैं इसमें मैंने। अब इसमें 0.0 MKV और 175 75 वोल्ट का कैपेसिटर यूज भी कर सकते हैं उसमें। इसमें मैंने 6 कैपेसिटर यूज किए हैं अभी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सर्किट को। तो ये देखिए, ये मेरे पास मॉस्फेट है, 2 मॉस्फेट मैंने लगा लिए एक हीट पर, ठीक है। इनके ड्रेन और ड्रेन दोनों को पिन एक दूसरे से नहीं टच होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जेनर लगाते हैं। तो जेनर आपको लगाना है इसकी 8 और 16 पिन पर, दोनों मॉस्फेट पर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगाने हैं। ये देखिए उसकी एनोड और कैथोड पिन है, इसको देखते हुए। ये 1 वाट के जेनर है दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे मॉस्फेट पर भी आपको लगाने हैं गेट और सोर्स पिन पर इस जेनर को। वैसे मैं इंडक्शन हीटर पर 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो एक और बना देता हूँ। ये काफ़ी अच्छी थी, वैसे मैं सोच रहा था इसे डालूँ या नहीं, फिर मैं सोचा चलो डाल देता हूँ, आपके साथ ही खरीद देता हूँ। काफ़ी सही वीडियो, आप भी बना सकते हो उसे। तो ये मेरे पास 10K के 2 वाट के रेजिस्टेंस है। आप इसमें 1 वाट का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास 1 वाट का था नहीं, इसलिए मैंने 2 वाट का लगा दिया। ऐसे ही प्रोसेस है, मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो ये देखिए रेजिस्टेंस और जो जेनर है हमने लगा लिया दोनों को। अब हमें इसमें डायोड लगाना है। अब डायोड आपको किस प्रकार लगाना है, इसकी एनोड और कैथोड पिन आपको जो इसकी गेट पिन है दूसरी मॉस्फेट की गेट पिन इसकी और जो पहले वाली ड्रेन पिन से कनेक्ट करना है। काफ़ी सिंपल है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन बिलो। सॉरी इंग्लिश ने मुझे नहीं कमा दी है। तो ये कॉइल हमारी, इसको भी लगा लेते हैं। दोनों ड्रेन मॉस्फेट पर लगानी है जो हमारी कॉइल है उसको। आप दोस्तों इसमें करंट इनपुट 12 वोल्ट से लेकर 60 70 वोल्ट तक दे सकते हो। आप इसमें AU कैपेसिटी के अनुसार आप इसमें लगा सकते हो। अगर आप इसमें 275 वोल्ट तक लगा दें तो आप इसमें 15 से 16 वोल्ट तक आप इसमें दे सकते हो। ये हर वोल्ट पे लगा तो उसमें और भी ज़्यादा आप दे सकते हो इसमें करंट। अब इसी पर मैं सोच रहा हूँ एक इंडक्शन कॉल लगाऊँ, जो इंडक्शन हीटर के लिए होती है, इंडक्शन कुकर हीटर के लिए, वो भी शायद इस पर वर्क कर जाए शायद। तो ये हमने लगा लिए 470 ओम के रेजिस्टेंस, जिसमें हम प्लस वोल्ट इनपुट देंगे विद इंडक्टर के साथ, इंडक्टर भी लगाते हैं हम। तो ये देखिए वैसे ये कंप्लीट हो चुका है हमारा सर्किट पूरा। अब ये इंडक्टर लगा लेते हैं इस पर, जो जो हमारी कॉइल है उन पर, दोनों टर्मिनल पर। तो ये देखिए हमने लगा लिए है और जो हमारा सर्किट है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब सिर्फ इसे हम चेक करने वाले हैं। ये कॉइल जो जो इंडक्टर कॉइल है ये मैंने खुद बनाई है। इसमें मैंने 1 mm का तार यूज किया है, इसमें मैंने 25 के समथिंग टर्न लगाए हैं। अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हो। ये PC की कॉइल है, टोरॉइडल कॉइल।
तो ये देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं सप्लाई दूंगा, मैंने ये सप्लाई बनाई हुई है, ये देखिए 20 वोल्ट की सप्लाई बनाई हुई है एक ट्रांसफार्मर द्वारा। आप इसे बैटरी से भी रन कर सकते हो आराम से, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें अभी 20 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर की सप्लाई हुई है, देखिए 20 वोल्ट आपके इनपुट, ठीक है। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ। ये लोहे की मेरे पास एक पत्ती है, इसको मैं आपको गर्म करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलाते हैं इसको, आप देखना ये कितनी जल्दी गर्म करता है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा इंडक्शन है ये। अगर आप इसमें और ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो और जल्दी ये हीट कर देगा मेटल को। ये देखिए जो आपकी पत्ती कितनी जल्दी गर्म हो गई, कितनी जल्दी लाल हो गई आपकी, आप सोच सकते हैं कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है ये। वैसे काफ़ी अच्छा है ये, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए मैंने अब बंद कर दिया इसको, अब मैं दूसरी चीज़ आपको चेक करके दिखाता हूँ। उस पर सेम ऐसी एक पत्ती है छोटी वाली, वैसे मेरे इसको बनाने का कोई विचार नहीं था, मेरे पास सामान पड़ा था, मैंने सोचा इसको बना दूं। इस पर आप काफ़ी मोटी से मोटी जिसमें इस कॉल के अंदर जो मेटल आया है उसको भी गर्म कर देता है ये। मैंने इसको टेस्ट किया है, वीडियो में टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने वैसे चेक किया इसको, इसके कितना भी मोटा आप इसमें मेटल लगा दो वो भी गर्म कर देगा ये बहुत ही जल्दी, आप यकीन नहीं मानोगे। ये सब टेस्टिंग है, चेक करा दिए मैंने आपको कि ये कितना अच्छा काम कर रहा है, देखिए बहुत ही जल्दी ये गर्म होने लगता है। आपने लगाया ऐसी डायरेक्ट हीट, अगर आपका कोई बोल्ट खुल नहीं रहा है तो उसमें आप गर्म करके लाल करके उसको खोल सकते हो, अगर ये कोई बोल्ट आपको नहीं खुल रहा है तो। और ये मेरे पास कैंची है, इसको गर्म कर देते हैं, ये इतना जल्दी लाल नहीं हो पाएगी क्योंकि ये काफ़ी मोटी कैंची है, लेकिन हीट इतनी हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। थोड़ा वीडियो में फास्ट कर दिया हूँ, अगर आप इसमें 30-40 वोल्ट दोगे तो इसको भी ये लाल कर देगी। तो ये देखिए सोल्डरिंग का वायर काफ़ी अच्छी तरीके से इतना गर्म हो चुकी है। अब मैं इससे आपको एक और चीज़ करा देता हूँ लास्ट चीज़, और वो है जो पत्ता होता है ना काटने वाला जिससे हम लोहा वगैरह काटते हैं, तो इसको मैं गर्म करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले गर्म कर किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, दोबारा से गर्म करके दिखा देता हूँ मैं आपको। और दोस्तों इसमें जो मॉस्फेट हैं काफ़ी अच्छे, इतनी तेज गर्म नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सही काम कर रहा है ये। तो ये देखिए गर्म होने लगा हमारा पत्ता, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म कर देता है। दोस्तों बस वीडियो में यही था, वीडियो चली वीडियो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।